आज का टॉपिक है टीआरएनए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसके बाद हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो प्रोटीन सिंथेसिस में टीआरएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो टीआरएनए के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, टीआरएनए जो होता है वो एक सेल में टोटल आरएनए का 15% होता है, ये बात आप याद रखिएगा। टीआरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल भी बोला जाता है, या सॉल्युबल आरएनए, एसआरएनए, ये इसके दूसरे नाम है। फ्रांसिस क्रिक जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने सबसे पहली बार एक ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में सोचा था जिसको एडाप्टर कहना सही होगा। फ्रांसिस क्रिक ये कहते थे कि एक मॉलिक्यूल इस तरीके का है जिसके दो हाथ हैं, एक हाथ में तो अमीनो एसिड जुड़ा होता है और दूसरे हाथ में इसके एंटी कोडॉन होते हैं, एंटी कोडॉन। तो इस तरीके का एक मॉलिक्यूल की कल्पना फ्रांसिस क्रिक ने सबसे पहली बार की थी, और बाद में हमको टीआरएनए के रूप में वो मॉलिक्यूल मिला। फ्रांसिस क्रिक कहते थे कि एक मॉलिक्यूल में दो साइड्स होंगी, टू साइड्स यानी कि टू हैंड्स होंगे, एक हैंड में तो एंटी कोडॉन होंगे और दूसरे हैंड में अमीनो एसिड जुड़ा होगा। अब यहाँ पर एक नई टर्म आई है, एंटी कोडॉन। ये क्या होता है थोड़ा समझिए। जैसे ये मेरे पास एक एमआरएनए है, इसके इसमें यहाँ न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से हैं, ये ए है, ये यू है, ये ए है, ये सी है, ये सी है, ये ए है, ये जी है, ये जी है। मान लीजिए इस तरीके का एक एमआरएनए मॉलिक्यूल है। मैं इसके लास्ट के तीन कोडॉन्स को ले लेता हूँ, लास्ट के तीन न्यूक्लियोटाइड को ले लेता हूँ, और इन तीनों का एक कोडॉन, जेनेटिक कोड बना देते हैं, ये एक कोडॉन है। ठीक, इस कोडॉन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो क्या होगा, जी के साथ सी आएगा, जी के साथ सी आएगा, ए के साथ यू आएगा। तो ये जो यू यू सी होता है ये कहलाता है एंटी कोडॉन, कोडॉन का उल्टा, या कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन इज एंटी कोडॉन। तो टीआरएनए के मॉलिक्यूल में भी एक एंटी कोडॉन होता है और दूसरी साइट में अमीनो एसिड जुड़ा हुआ होता है, ये फ्रांसिस क्रिक ने पहले ही बता दिया था। करीब करीब एक सेल के अंदर 60 टाइप्स ऑफ टीआरएनए पाए जाते हैं। सेल के अंदर ना कहें, या पूरे लिविंग वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, टोटल आज तक हमको 60 टाइप्स के टीआरएनए देखने को मिले हैं। और सारे के सारे जितने टीआरएनए होते हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर एक सा होता है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो टीआरएनए के तीन लेवल पे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेवल वन, लेवल टू और लेवल थ्री। लेवल टू और लेवल थ्री। तो लेवल वन होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है कि आरएनए का मॉलिक्यूल होगा जिसका एक 5' एंड होगा और एक 3' एंड होगा। तो आरएनए का मॉलिक्यूल ये बन के आ गया। खास बात यह होती है कि 5' एंड में जी होता है, हमेशा ग्वानीन जुड़ा हुआ होता है, और 3' जो एंड होगा वहां पर एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस होता है, सीसीए। तो अगर आप टीआरएनए के मॉलिक्यूल को एक धागे की तरह खोल के रख दें तो यहां पर आपको जी मिलेगा 5' एंड पे, और 3' जो एंड होगा उस पर आपको 3CCA देखने को मिलता है। जब इस टीआरएनए के मॉलिक्यूल में, प्राइमरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। इस